नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मुंबई के महालक्ष्मी के एक थिएटर में हिंदी फिल्म ओ बन गया किलर का 75वां दिवस का एक शो रखा गया। जी, आपको बता दें कि इस थिएटर में लगातार 75 डेज से यह पिक्चर चल रही है। इस फिल्म के हीरो हैं धर्मेश मकवाना और हीरोइन है काजल, साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर है दिनेश मकवाना। दर्शकों को काफी यह फिल्म पसंद आ रही है। एक दर्शक ने तो लगातार 50 दिन से यह फिल्म देखी है, तो कोई दो बार तो कोई तीन बार देखा है। इस फिल्म के 75 डेज पूरा होने पर थिएटर मालिक ने धर्मेश मकवाना को एक ट्रॉफी देके सम्मान किया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहा धर्मेश मकवाना ने और इस फिल्म को देखने वाले दर्शक व टीम ने। सर, अभी मैं क्या बोलूँ, मैं 75 डेज से जो बोलते मेरे को लग रहा है कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई बचा ही नहीं है। सर, मैंने जब इस फिल्म की मेकिंग की तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऑडियंस मेरे को इतना लाइक। सर, मैंने उम्मीद की थी पिक्चर अच्छी बनेगी, लेकिन मैंने खास अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के फिल्म बनाई है कि मेरी छोटे छोटे बच्चे लोग, बहन लोग, बेटिया लोग पिक्चर को देख सकें। मैं जब भी न्यूज़ देखता था सर, तो छोटे छोटे बच्चों पे जो अत्याचार होता था, अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होता था, एक्चुअली ये फिल्म मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं ये चाहता था जो हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोगों पे हो रहा है, मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता था कि लोग, हमारी ऑडियंस को, हमारे हिंदुस्तान में हर एक भाई को, हर एक लोगों को पता चले ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बच्चों लोगों के साथ सर, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे एक ऐसे दोस्त है प्रेम जी भाई, जिन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे सर, एकदम फैक्ट सही बात है, 100% 50 बार उन्होंने फिल्म देखी है। मैं, लोग मुझे अपना फैंस मानते, मैं उन्हें अपना फैंस मानता हूँ कि यार उन्होंने 50 बार थिएटर में आके देखी है। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शो भी कैंसिल नहीं हुआ। मैं तो रियली भगवान का इतना शुक्रगुजार हूँ और मेरे ऑडियंस का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरी माताओं का, कि एक शो भी अभी तक जब लगी है यहाँ से, तब से एक शो भी कैंसिल नहीं हुआ। और आज भी देखो सर, आज भी 50-60 पब्लिक है 10वें 11वें हफ्ते में। और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ये मूवी है कम 8-10 हफ्ता चलेगी। तो सर, मैं रियली बोलता हूँ, मेरे असली हीरो तो मेरे ऑडियंस है, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, जो मैं कुछ भी नहीं था और जो कुछ आज बनाया है उनकी बदौलत पर बना हूँ मैं। सर, इस पिक्चर के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप समाज को? सर, इस पिक्चर से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बस अपनी सोच बदलो। मेरे उन भाइयों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बहन, जो 2-5 साल के बच्चे लोग रहते हैं, उनके ऊपर जब वो बुरी नज़र आते हैं सर, मुझे बहुत दुख होता है। क्या सोचो यार, ऐसी बेटी हमारे घर में है, ऐसे ही बच्चे हमारे घर में है, ऐसे ही माँ बहन बेटी है, कुछ थोड़ा मुड़ के देखो। बस मेरा यही कहना है, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बस सोच बदलो। बस इंटरव्यू लिया, उसके लिए आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ, मेरी बहन बेटियों का शुक्रगुजार हूँ सर, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। वास्तव में किलर नहीं है, एक समाज सेवक का काम करता है, जो हमारी जनता की सेवक है। वैसे सब लोग मुझको मानते हैं किलर है, किलर वास्तव में किलर नहीं है। जो बहन बेटी का इज्जत आप लोग रोकते हैं, जो कॉलेज में लड़का लड़की छेड़छाड़ करते हैं, जो असामाजिक तत्व उसको हैरान परेशान करते हैं, उसके सामने कोई आवाज़ उठाते हैं, जो उसके भी लगे तो उसको भी मार भी देते हैं, इसलिए वो किलर बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो किलर नहीं है। कब देखा? पार्टी भी अच्छा था। हीरो अंकल पसंद आए? चलो, मैं 50 बार उसके लिए देखने को आया। मैं तो सो के आई, तो एक बार भी उससे भी ज्यादा चल तो मैं भी देखूंगा पिक्चर।
ये मुझे पिक्चर अच्छी लगी समझिए, मेरा जो पूरा दिन का मेरा थकान रहता तो ये पिक्चर ही मेरा थकान ये कर देती थी। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, उसमें धर्मेश भाई का जो एक्टिंग था, उन्होंने जो डबल कैरेक्टर किया वो तो मुझे पता नहीं था, ये मैं सेकेंड टाइम देखने आ रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार देखा तो मुझे पता ही नहीं था कि उन्होंने डबल रोल किया था। फिर उनसे बात करते हुए मुझे पता चला कि वो डबल एक्टिंग की थी, बहुत ही मज़ेदार रोल किया है। और उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है, जो सोशल, जो आज के समाज में जो बलात्कार होते हैं और जो गुंडागिरी चलती है, उनके सामने एक आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ हमें पसंद आई है। जो आज के बड़े बड़े स्टार नहीं कर पाए, वो उन्होंने छोटे स्टार होने के बाद बड़ा काम करके दिया है। जो बड़ी फिल्म में एक बार देखने के बाद कोई दूसरी बार देखने नहीं जाता है, आज मैं यहाँ सेकेंड टाइम देखने वो भी अकेला में आया था, आज मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ आया हूँ। तो उन्होंने खुद ये पिक्चर प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट किए, एक्टिंग भी किए, मतलब टोटल फुल ऐसा फैमिली के साथ देखने लायक पिक्चर है। और इसमें एक मैसेज है कि कोई छोटी बच्चियों को, लेडीज़ को जो परेशानी होती है, तो ऐसी पिक्चर देख के को ऐसे क्योंकि ऐसे ख्याल आते लोग रहते हैं, तो कम से कम पिक्चर देख के भी उनके मन में खौफ रहेगा कि वाकई में ऐसे ये इन्होंने फिल्म बनाई है, लेकिन वाकई में ऐसे बार में क्योंकि ऐसे कोई रियल में क्या ऐसा कोई आदमी हमें मिल जाए, तो क्योंकि आदमी को ऐसा डर रहते लेडीज़ के लिए उनका जो उसके इज्जत है उनकी, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ देखा, दो बार देखा, मेरे बच्चे ने तीन बार देखा, पापा के साथ एक बार आई, दादा के साथ भी आई, हम लोगों को तो पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी। तुमको कैसे? बहुत अच्छा लगा पिक्चर, सिर्फ कहानी स्टोरी और बहुत हीरोइन को अच्छा लगे, बहुत एक्शन और जो कहानी का जो है ना वो बहुत ही अच्छा है वो पिक्चर। मतलब इस हीरो की अगली पिक्चर आएगी तो देखोगे आप लोग? हाँ। ओके बोलिए। हम लोग को बहुत अच्छा पिक्चर लगा है और हम लोग का दोस्त लोग को लेके आते हैं और किलर पिक्चर हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम लोग ने शोले पिक्चर तीन बार देखी है, लेकिन ये पिक्चर है ना हम लोग दस बार देख चुके। आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे हीरो के बारे में? हीरो के बारे में तो अच्छा लगा, लेकिन जो लेडीज के ऊपर लिखा है ना एक नंबर है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।